हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है ना, मैं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला, लाइव करके दिखाने वाला हूँ, और वो है ओप्पो A3s अनलॉकिंग, वो भी अनलॉक टूल से। सभी भाई ने क्या किया, इन्फॉर्मेशन बता दिया कि ये टूल में आ गया अपडेट, ये टूल में आ गया, कोई कंटेंट बनाने के लिए बोल दिया हेलो दोस्तों तो अपडेट आ चुका है, UFT अनलॉक टूल, एंड्रॉयड मल्टी टूल सारे में आप फ्री में कर सकते हो A3s, लेकिन कैसे करना ये किसी ने नहीं क्लियर किया। आज मैं आपको लाइव करके दिखाने वाला हूँ, और आज हमारे पास एक हैंडसेट है जो कि देख सकते हो ओप्पो A3s है, और इसे आज हम करने वाले हैं लाइव अनलॉकिंग, ठीक है, और वो भी अनलॉक टूल से, ठीक है। तो जिन भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, और चलिए वीडियो को करते हैं इंजॉय। तो ये रहा हमारे पास ओप्पो A3s, जिसमें कि अभी फ़िलहाल में आप देख रहे हो कि इसमें पैटर्न लॉक लगा हुआ है, और सबसे पहले इमरजेंसी कॉल में जाके आपको मॉडल नंबर चेक कराता हूँ, ठीक है, मस्ट भी ये चेक करना, उसके बाद काम करना। उसके बाद आपको चलना है सॉफ्टवेयर वर्जन में, और यहाँ पे मॉडल सबसे पहले कन्फर्म करना है कि आपका 1803 है या फिर 1853 है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि CPH 1803 है, और आपके पास अगर CPH 1853 हो भी तो सेम प्रोसेस है, बस यहाँ पे जो मैंने मॉडल सेलेक्ट करने बताऊँगा वहाँ पे आप मॉडल बस CPH 1853 वाला आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब चलते हैं अपने पीसी की ओर और करते हैं अनलॉक टूल को लॉगिन, और देखते हैं अनलॉक टूल से कैसे और क्या फीचर, कहाँ पे ये मॉडल हमें एडिट मिला है, ठीक है, और कैसे एकदम बिल्कुल सेफ मेथड और इजी वे में करना है, बिल्कुल लाइव आपको दिखाऊंगा, ज़रा भी वीडियो को अनकट नहीं करने वाला, बिल्कुल आपको लाइव प्रोसेस में ये फुल वीडियो आपको दिखाऊंगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई लोगो रिस्टार्ट पे नहीं अटकेगा, अगर कोई फ़ोन लोगो रिस्टार्ट पे अगर अनलॉकिंग बाद अटकता है तो आपको एक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, वो हमारा EMMC बैड हेल्थ के कारण में ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो होते हैं ना ये रियलमी टू ओप्पो A3s बैड हेल्थ के कारण भी होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो अनलॉक टूल का अपडेट आया है इसमें मुझे ऐसा बग्स देखने को नहीं मिला है, क्योंकि मैंने अभी इससे कुछ देर पहले एक और फ़ोन अनलॉक किया है, उसके बाद में मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, पहले मैंने एक फ़ोन पर रिसर्च कर रहा हूँ, फिर आपको ये दूसरे फ़ोन पे मैं करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये टूल वर्क अपडेट जो भी आया है अच्छा वर्क कर रहा है, और इसके अंदर कोई भी फ़िलहाल में बग्स देखने को नहीं मिला है इस मॉडल को लेके। बाकी जो भी ओप्पो A7 वगैरह है उसका मैं बहुत जल्दी, अगर मेरे पास जैसे ही फ़ोन आता है या नहीं भी आया तो कैसे भी मैं जुगाड़ करके आपके लिए वीडियो बना दूंगा ओप्पो A7 पे, उसके पीछे भी लगा हूँ, अगर वो फ़ोन मेरे को मिल जाता है, अगर दोस्त यार का भी किसी का, तो मैं लेके आपको बताऊँगा उसको कैसे करना है, ठीक है। तो ये अनलॉक टूल हमारा ओपन हो चुका है, ठीक है। अब इसमें चलना है आपको, सिंपली कुछ नहीं करना है, ओप्पो वाले टैब में जाना है, ठीक है। इसे मैं थोड़ा सेटअप कर लूँ सही है स्क्रीन पे, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, ठीक है। आपको ओप्पो वाले टैब में चले जाना है, ओप्पो वाले टैब में जाने के बाद में आपको यहाँ पर मॉडल सीधा सर्च कर लेना है A3s, ठीक है। A3s जैसे ही सर्च करेंगे तो ये दोनों वर्जन आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऊपर में आपको दिख रहा है CPH 1803 और नीचे में दिख रहा है 1853, तो जो मेरे पास में फ़िलहाल में 1803 है, 1803 सेलेक्ट करूँगा, और इसमें शायद दो वेरिएंट आते हैं, एक 1805 भी आता है और एक 1803 भी आता है, तो दोनों सेम टू सेम है, कन्फ्यूज होने की दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1803 और 1805 दोनों सेम ही है। अब यहाँ पर सिंपली क्या करना है, फ़ोन को स्विच ऑफ करना है, और कोई EDL पॉइंट का ज़रूरत नहीं है, ना EDL केबल की ज़रूरत है, ये फ़ोन हमारा वॉल्यूम प्लस माइनस दबा के ही एक EDL का पोर्ट क्रिएट कर देता है, ठीक है। उसके बाद में आपको कर देना फैक्ट्री रीसेट पे क्लिक, ठीक है। फैक्ट्री रीसेट पे क्लिक करने के बाद में आपको सिंपली जब यहाँ पे वेटिंग फॉर क्वालकॉम का जो ये पोर्ट वेट कर रहा है कि आप फ़ोन को कनेक्ट करो, तो आपको कुछ नहीं करना है, फ़ोन में बैटरी मस्ट भी लगा होना चाहिए, ये कभी भी भूल के निकालना नहीं है आपको, ठीक है। और वॉल्यूम प्लस माइनस प्रेस करके USB को इंसर्ट कर देना, ठीक है। ये तुरंत से ये फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा, कुछ भी करने की आपकी ज़रूरत नहीं है, सारा ऑटोमेटिक है, और बहुत ही कम समय में यानी 10 से 15 सेकेंड में ये आपका काम कर देता है अनलॉक टूल, ठीक है। ज़्यादा समय ये नहीं लगाता, ठीक है। आप देख सकते हो कि यहाँ से फॉर्मेट भी हो चुका है और इसका FRP भी रिमूव हो चुका है, यानी कि फ़ोन फॉर्मेट भी हो गया और FRP एक ही बार में हो गया, जो कि हमने ओनली फैक्ट्री रिसेट करा, इसका FRP भी निकल चुका है, ठीक है, ऐसा टूल ने बताया। अब हम फ़ोन को कंप्लीट ऑन होने देंगे और चेक करेंगे कि इसमें
फ़ोन ओनली फॉर्मेट हुआ या फिर FRP भी चला गया, ठीक है। मैं यहाँ पे कोड अभी नहीं डालूंगा क्योंकि जैसा पता है इसका कोड ईजी है, एक सेकंड में FRP निकाल लेंगे, लेकिन हम इसका कोड नहीं डालेंगे। लास्ट में फ़ोन को स्टेप बाय स्टेप स्किप करके देखेंगे सच में FRP रिमूव हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अनलॉक टूल ने तो बता दिया FRP भी रेज हो चुका है, लेकिन चेक करेंगे हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। अब फ़ोन ऑन होने में समथिंग यहाँ 7 से 8 मिनट का समय लगेगा, तो मैं वीडियो को यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप वीडियो को उतना लंबा मैं खींच के नहीं ले जाना चाहता, ठीक है। 7 से 8 मिनट के बाद में ये फ़ोन आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको सिंपली क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं नेक्स्ट करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पर कोई भी स्किप नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्योंकि मुझे चेक करना है कि इसमें FRP निकला या नहीं निकला, क्योंकि कोड से तो मिजली 1 सेकंड में निकाल सकते हैं, बट मैं बस नॉलेज पर्पस से चेक करना चाहता हूँ। अगर यहाँ पे ओके दिया है तो ये स्किप हो जाना चाहिए, ठीक है। तो स्किप ये सक्सेसफुली हो चुका है और हमारा फ़ोन सक्सेसफुली अनलॉक हो चुका है। तो थैंक्स करना चाहूँगा अनलॉक टूल को, और आप भी वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें, और जिन भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही हमारे वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें।